हेलो एवरी, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कैसे एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल के टर्म्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जहाँ पे हमें क्या करना है, वाई टी को एक्स टी के टर्म्स में लिखना है। यानी मैं क्या करूँगा, जो एक्स टी वाला सिग्नल है उसको वाई टी जैसा बनाऊँगा और वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। तो हम इस चीज़ को लिखने के लिए क्या एक ट्रेडिशन मेथड फॉलो करते हैं, क्या क्या होता है उसमें। सबसे पहले हम करते हैं जो हमने पढ़ा सिग्नल लाइन सिस्टम में, सबसे पहले शिफ्टिंग की जाती है, ठीक है। शिफ्टिंग के बाद क्या करते हैं, स्केलिंग कर लो या फोल्डिंग कर लो, दोनों में से एक चॉइस है, ठीक है। देन स्केलिंग करते हैं, देन फोल्डिंग करते हैं, ये सब हमने सीखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है इसी ऑर्डर में हो, अपनी मर्जी है, लेकिन ज़्यादातर बुक में मिलेगा या लोग बताते हैं तो इसी ऑर्डर में बताते हैं, तो हम भी इसी ऑर्डर से करने वाले हैं। अगर इस ऑर्डर से ना भी करेंगे तब भी आंसर आएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसी मेथड से करना है। ये मेथड आसान रहता है थोड़ा, इसलिए इस मेथड को फॉलो किया जाता है। तो देखते हैं कहाँ से शुरू करते हैं, सबसे पहले शिफ्टिंग से शुरू करते हैं, या फिर सबसे पहले देखो यहाँ पर यह एक ट्राइंगल है एक्स ऑफ टी में, और इसमें भी ये क्या ट्राइंगल है, लेकिन इसमें ट्राइंगल नीचे की तरफ है तो एक्स टी का ट्राइंगल ऊपर की तरफ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल को इससे नीचे की तरफ लाओ। जब ट्राइंगल को नीचे की तरफ लाना तब क्या करेंगे, ट्राइंगल अगर किसी ग्राफ को एक्स 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 के अबाउट रोटेट करना है तो क्या करते हैं, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें। तो करेंगे हम भी यही काम। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हर एक स्टेप को समझते आना। तो सबसे पहले इसमें क्या करना, इसको रोटेट कर दो अबाउट एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं मतलब वाई की वैल्यू में माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी टी की जो ये वैल्यूज हैं ये रहने वाली हैं सेम, ये माइनस टू ही रहेगी, ये टू ही रहेगी। अगर ये वन था तो अब क्या हो जाएगा, माइनस वन, साइन अपोजिट हो जाएगा। अगर माइनस टू होता तो माइनस टू हो जाता, माइनस फाइव होता तो माइनस फाइव हो जाता। तो ये बन चुका अब क्या, माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी, ठीक है, माइनस वन से मल्टीप्लाई हो गई इसमें। अब यहाँ पे देखो ट्राइंगल कुछ कुछ सेम लगने लगा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे शिफ्टिंग, अपने नॉर्मल मेथड पे आते हैं, शिफ्टिंग करते हैं। शिफ्टिंग कितने की, देखो अगर इसका एक एंड जो जीरो पर है इसके भी एक एंड को जीरो पे लाओ, अगर इसका एक एंड जीरो पे लाऊंगा तो दूसरा वाला एंड आगे की तरफ बढ़ जाएगा। यानी मुझे शिफ्टिंग किस तरफ करनी पड़ रही है, इस तरफ। इस तरफ का मतलब होता है एडवांस, मतलब लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है, टी के साथ एडिशन होता है उस नंबर का। तो मैं टू को जीरो पे लाना चाह रहा हूं, तो इसका मतलब मैं कितने का शिफ्ट करना चाह रहा हूं, लेफ्ट शिफ्ट करना चाह रहा हूं मैं या एडवांस करना चाह रहा हूं। एडवांस कर दो बाय टू यूनिट्स, तो अगर इसको दो यूनिट में लेफ्ट कर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, आप टी को किससे रिप्लेस कर दूंगा, टी प्लस टू से। इसको थोड़ा साइड में ला लेते हैं, हर एक स्टेप को समझते हुए जाना। तो यहां पे क्या होगा, जीरो, अब मैं क्या करता हूं, टी को रिप्लेस कर देता हूं किससे, टी प्लस टू से, मतलब दो क्या होगा, लेफ्ट साइड में चले जाएगा हर एक सिग्नल, हर एक जो पॉइंट है वो दो खिसक जाएगा लेफ्ट की तरफ, दो जो वो कहाँ पर आ जाएगा, जीरो पर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला टू, और ये माइनस टू कहाँ पर पहुँच जाएगा, माइनस फोर पर पहुँच जाएगा, ठीक है। और ये जीरो पे था इसका ट्राइंगल का जो यहाँ पे वर्टेक्स है, अब वो कितने पर आ जाएगा, इसको भी टू से इधर ले आओ, अब कितने पर आ जाएगा, माइनस टू पे। तो माइनस टू ये बन गया ट्राइंगल इस टाइप का। वाई वैल्यू में कोई चेंज नहीं, क्योंकि वाई में तो कोई चेंज नहीं कर रहा, जब वाई में चेंज करते हैं तो बाहर होता है, जब एक्स वाले में चेंज करते हैं तो अंदर होता है। देखो अंदर चेंज हुआ ना टी प्लस टू, तो इसलिए अंदर चेंज हो रहा है, बाहर कोई चेंज नहीं रहेगा। तो ये कितनी थी पहले वैल्यू, माइनस वन, अब भी क्या रहने वाली है, माइनस वन ही रहने वाली है यहाँ पर। ठीक, एक एक चीज समझ आई, यहाँ पे क्या हुई है, शिफ्टिंग हुई है इस वाले स्टेप में, लेफ्ट शिफ्टिंग कहें से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सॉरी, ये लेफ्ट शिफ्टिंग इधर,
ये तो रोटेट कर दिया था हमने एक्स एक्सिस के अबाउट, यहाँ पे ये कैसा आया शिफ्ट, शिफ्टिंग के बाद। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, यहाँ पे ये जीरो पर है, ये माइनस टू पर है। अब मैं क्या करूँ, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कराऊंगा सेम रहने वाला, अगर माइनस चार को माइनस दो पर लिया हूं तो सेम का सेम ट्राइंगल बन जाएगा, टू को माइनस टू को भी वन पर लिया हूं। तो क्या करते हैं, जब चीज घटानी हो तो हम क्या करते हैं, टी से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर का, जितने से उसको हम कंप्रेस करना चाह रहे हैं। अगर कंप्रेस करना चाह रहे हैं तो क्या करते हैं, उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मुझे इस चीज को फैलाना, एक्सपेंड करना, तो मैं क्या करता हूँ, टी में डिवाइड करता हूँ उस चीज़ का, उस नंबर का। तो अब ये बताओ कितने से मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ, अगर यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ तो टी में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उल्टा चलता है एक तरह से, ठीक है। अगर टाइम एक्सिस पे यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, माइनस टू को माइनस फोर है इधर, माइनस टू बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, अगर मैं देखो पहले ध्यान से सोचो, अगर मैं हर एक नंबर को दो से डिवाइड कर दूँ, माइनस चार अपॉन दो, तो ये माइनस दो हो जाएगा, मेरी माइनस दो की ज़रूरत है, और माइनस दो को दो से डिवाइड कर दूँ तो माइनस एक हो जाएगा, माइनस एक की ज़रूरत है, जो जीरो को दो से डिवाइड कर दूँ तो जीरो ही रहने वाला है, तो मेरे नंबर सेम बन चुके हैं। देखो माइनस टू माइनस वन जीरो, इसी चीज़ की मुझे यहाँ पर ज़रूरत है। इसका मतलब यहाँ पे टू से डिवाइड किया तो अंदर एक्स के अंदर जो टी है उसमें क्या करूँगा, टू से मल्टीप्लाई करूँगा। अब मैंने बताया अपोजिट चलता है एकदम, ठीक। तो अब क्या कर दूंगा मैं, टू टी टू से क्या कर दूंगा, इसकी स्केलिंग कर दूंगा, यानी टी को टू टी से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस चार तब हो जाएगा माइनस दो, यहाँ पे कितना हो गया, माइनस ऑफ एक्स ऑफ किससे रिप्लेस कर दूंगा मैं, टी को टू टी से, क्योंकि मैं टू से डिवाइड करना है इसलिए टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टू का। अगर मुझे इसको फैलाना होता तो मैं क्या करता, टू से डिवाइड करता, ठीक है। तो यहाँ पे जब उसको कंप्रेस करना तो टू से मल्टीप्लाई, अगर फैलाना उसको एक्सपेंड करना तो टू डिवाइड करते, तो टी को किससे रिप्लेस कर दूंगा, टू टी से। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस दो को उससे करेंगे माइनस वन, ये जीरो, क्या एग्जैक्टली सेम बन चुके हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो एग्जैक्टली सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, यहाँ पे माइनस वन है ना, एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वाई टी बराबर कितना आ गया, माइनस ऑफ एक्स टू टी प्लस टू, कितना आ गया, ये यहाँ से ये एक्सप्रेस हो चुका है, वाई टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ चुकी है, y t की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ से, माइनस ऑफ x ऑफ 2t प्लस 2, ये इसका आंसर है। इस तरीके से हम लिखते हैं। मैंने बताया जरूरी नहीं है कि सारे जो भी ऑपरेशन है वो लाइन एक ही उसमें करने, सीक्वेंस में हमेशा कोई भी सीक्वेंस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो टाइम शिफ्टिंग वाला होता है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, जिसमें वहाँ पे t को रिप्लेस कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो t को t प्लस टू से डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया, जब वहाँ पे अगर तुमने पहले स्केलिंग कर दी तो वहाँ पे क्या करोगे, इसको ब्रैकेट में लिखोगे इस चीज़ को, ठीक है। चलो दूसरा मेथड दिखाता हूँ मैं इसको, अगर मैं पहले स्केलिंग कर दूँ तो, ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया। अब सेकेंड मेथड से सिखाता हूँ, सेकेंड मेथड से देखो यही आंसर आना चाहिए। मैं दोबारा से शुरू करता हूँ ऊपर वाला ग्राफ बना के, और इसी को लाऊंगा, इस बार पहले स्केलिंग कर दूंगा। देखो अगर मैं पहले स्केलिंग कर दूं तब क्या होगा, ताकि ये ना रहे कि कोई ऑपरेशन मैंने पहले लगा दिया फिर बाद में लगा दिया तो उससे क्या कोई नुकसान है क्या, ये भी नहीं रहना चाहिए मन में, ठीक है। देखो अगर मैं पहले क्या करता हूँ, स्केलिंग कर देता हूँ, चलो मैं स्केलिंग कर दिया, कितने से कर दिया पहले ये भी सोचना, थोड़ा दिमाग में सोचना पहले, डायरेक्ट नहीं भागना। यहाँ पे माइनस टू टू है, चलो मैं इसको पहले उल्टा नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा सोचो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे माइनस टू है, अगर मैं क्या कर दूँ टू से पहले डिवाइड कर दूँ, ठीक है, टू से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो माइनस, ये वन पा जाएगा और ये माइनस वन पा जाएगा, ठीक है, टू से स्केलिंग करने के बाद। उसके बाद फिर मुझे दिमाग में आ रहा है अगर ये वन पर है तो मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट ले आऊँ, वन वाला जीरो पर आ जाएगा और माइनस वन वाला माइनस टू पर पहुंच जाएगा, इसका मतलब ऊपर का तो सेम बन गया। अब मुझे क्या करना है, उसको नीचे ट्रायंगल को नीचे घुमा देना है, नीचे घुमाने के लिए माइनस वन से मल्टीप्लाई बाहर की तरफ, वाई की वैल्यू में चेंज, इस तरह की ऐसा सोचना, ठीक है।
तो ये एक्स ऑफ टी देखा, देखो अगर मैं पहले स्केलिंग कर दूं, तो अगर करता हूं मैं स्केलिंग तब क्या होगा, देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, अगेन कंप्रेस करना चाह रहा हूं, कंप्रेस करते हैं तो क्या करते हैं, यहां पर अगर मैं टू से डिवाइड करना चाह रहा हूं तो टी के साथ क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को टू से डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो टी के साथ मल्टीप्लाई होता है, उल्टा चलता है, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितने कितने पे आ जाएंगे, टू से डिवाइड करने के बाद ये आ जाए माइनस वन पे, ये वन पे, ये वन पे रहा, ठीक है। अगली बार मेरे माइंड में चल रहा क्या, मैं इसको वन को जीरो पे ले आओ, ये पहुंच जाएगा माइनस टू पे, तो मेरा काम बन जाएगा बिल्कुल ऊपर जैसा ट्रायंगल बन जाएगा, नीचे घुमाने तो उसको मैं कभी भी घुमा सकता हूँ। तो मैं क्या कर दूंगा, लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है जितने से टी को उसको रिप्लेस कर दो, अगर वन की शिफ्टिंग है तो टी प्लस वन से, अगर टू से कर रहे तो टू से, अगर राइट की तरफ ले आते हैं तो माइनस के साथ ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा भैया, मैं ले आ रहा हूँ इसको किसकी तरफ, मैं ले इसको लेफ्ट की तरफ ले आ रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा टी के साथ ऐड करूँगा, लेकिन लेकिन टी प्लस वन मत कर देना यहाँ पर गलती से, क्या करना टी को रिप्लेस करना किसे, टी प्लस वन से, यहीं पे बस मिस्टेक होती है, यही चेंज है, बाकी का कोई चेंज नहीं है दोनों किसी भी ऑर्डर में लगाते हैं तो, ठीक है। अगर पहले स्केलिंग कर दिए तो टी को टी प्लस वन से रिप्लेस करना, ना कि यहाँ पर कुछ इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं मिस्टेक में, टू टी प्लस वन, ये सारी मिस्टेक होती है सबसे, ठीक है, ये वाली मिस्टेक होती है सबसे, बाकी का कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको लिख लिया है इस तरीके से, अगर मैंने इसको वन से शिफ्ट कर दिया तो माइनस वन वाला इधर आ जाएगा ज़ीरो पे, ठीक है, आ गया ज़ीरो पे, और ये कितने पे आ जाएगा माइनस टू पे, तो बस यहाँ बना दो ट्रायंगल, ज़ीरो वाला पहुँच जाएगा माइनस वन पे, एक इधर ले गया तो वन पहुँच जाएगा ज़ीरो पे, ज़ीरो पे था ये इसकी वर्टेक्स, अब आ जाएगा किस पे, माइनस वन पे, और ये था माइनस टू पे, क्या बिल्कुल ट्रायंगल ऊपर का तो एक जैसा लग रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, कितना हो जाएगा एक्स ऑफ अंदर टू की मल्टीप्लाई कर दो टू टी प्लस टू, अब उसमें ट्रायंगल नीचे की तरफ है, जब नीचे की तरफ मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना होता है किस चीज़ को, तो क्या करते हैं बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर एक्स वाई एक्सिस के अबाउट घुमाना है तो टी में टी को माइनस टी से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, यानी टी में माइनस वन की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको तो हमें एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है ना, तो क्या हो जाएगा भैया, अब इसको नीचे की तरफ घुमा दो, ठीक है, तो पहले वन था उसका, अब नीचे की तरफ माइनस वन हो जाएगा, ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया माइनस का वन, ये हो गया माइनस का टू, यहाँ पे भी तो वन लिख लो, और ये अब कितना हो जाएगा माइनस का वन, क्या बिल्कुल एग्जैक्टली इसमें माइनस वन से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, तो यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ टी टू प्लस टू, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम आंसर आया, बिल्कुल वैसा ही बन चुका जैसा y ऑफ t था, y ऑफ t की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ऑफ x टू टी प्लस टू, ये लिखना आना चाहिए, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, दो ग्राफ दे देगा वहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेशनशिप करके आंसर पूछता है। तो देखो यहाँ पे मैंने सारे ऑर्डर बताया, आप किसी भी पहले चांस शिफ्टिंग कर लो, फोल्डिंग कर लो, एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर लो, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर लो, किसी भी ऑर्डर में जा सकते हैं, बस शिफ्टिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है, जब शिफ्टिंग करते हैं तो टी को रिप्लेस करते हैं ब्रैकेट में बंद करके, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो, बस यही है और कुछ नहीं। अगर ट्रेडिशनल मेथड से जा रहे हो, पहले शिफ्टिंग कर रहे हो फिर उसे टी को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं टी से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कब करेंगे जब डिवाइड कर रहे हो किस पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है, और अगर मुझे उसको एक्सपेंड करना हो तो टी से मैं डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये एक होमवर्क क्वेश्चन आपको है, इस बार क्या करना, वाई टी को लिखना इन टर्म्स ऑफ, अब क्या करना एक्स टी को लिखना इन टर्म्स ऑफ वाई टी, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, इसी सेम क्वेश्चन को सभी कमेंट करके बताएंगे सबका आंसर क्या आया। तो यहाँ पे अगला एच डब्ल्यू आपको क्या मिलता है, ताकि प्रैक्टिस तो हो जाए, पता लगे ये समझ आया या नहीं, एक्सप्रेस सेम क्वेश्चन है, एक्सप्रेस अबव प्रॉब्लम इन प्रॉब्लम एक्स ऑफ टी इन
टर्म्स ऑफ y ऑफ t, अब आंसर किसके टर्म आएगा y ऑफ t, इसका मतलब किसको लेकर चलूंगा मैं y ऑफ t को क्या क्या बनाऊंगा x ऑफ t जैसा बनाऊंगा, ठीक है। सभी कमेंट करके बताएंगे, मैं बता दूंगा किसका आंसर करेक्ट है वहां पर कमेंट में। तो सभी को ट्राई करना, इस बार y ऑफ t को लेकर चलना और x ऑफ t जैसा बना देना, और सभी लिखेंगे अपना आंसर, मैं चेक करूंगा सभी का आंसर कमेंट में। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।